ये है श्री साई बाबा हॉस्पिटल, श्री साई हॉस्पिटल, जहाँ पे ट्रीटमेंट संपूर्ण फ्री होता है। तो यहाँ पे आने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैसे आए, कहाँ उतरे, कहाँ रहे, पूरा का पूरा जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए। He is the maintainer, he is the preserver, he is the one who provides us with shelter. Good morning guys, आप सबका स्वागत है एक और नया ब्लॉग में। आज ये देखो आयात में आयात का मम्मी और आयात का नानी जा रहे हैं साई हॉस्पिटल। आयात घूमने जा रहा है सुबह सुबह। काटुकुड़ी से पीछे जो फ्लाईओवर दिख रहा है आप लोगों को, उस फ्लाईओवर को क्रॉस करके हम बस स्टैंड में आ गए हैं, व्हाइटफील्ड बस स्टैंड। तो यहाँ पे डोसा बहुत सस्ते में मिलता है बोल रहा है, जाता हूँ। फिर जाएंगे यहाँ से बस पकड़ के। ये 20 लेता है, वो 50 लेता है। अच्छा, 15 रुपया, ये 20 रुपया। मेरे बेटी के लिए स्नीकर्स। चाय पियोगे? हाँ चाय, ठीक है। डोसा तो बहुत सस्ता है यार, 30 रुपए में ओनली फॉर 4 पीस डोसा है। बहुत सॉफ्ट भी है और चटनी तो बहुत मस्त लगता है यार। एक चीज़ तो देख रहा हूँ, नाश्ता बहुत सस्ता है, खास करके साउथ इंडियन वाला। ये पूरी सब्जी खाने जाओ या फिर रोटी खाने जाओ, वो महंगा पड़ता है। डोसा खाओ, सस्ता में आ जाएगा। ठीक है, सफ़र करेंगे बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। वाह, चलो तुम्हें इसने घुसी जाओ लेडीज सीट। हम गाड़ी में बिस्किट खा रहे ना, और हाय कर दो। आयु हाय। वाह, देखिए ये गेट है, यहाँ से एंट्री होता है, यहीं पे उतर देता है। यहाँ पे हम, मेरा बेटी और मैं दोनों बैठ के डोसा खा रहे हैं। ये है श्री साई बाबा हॉस्पिटल, जहाँ पे पूरा इलाज मुफ्त होता है, फ्री में होता है। मेन फ्रंट गेट है बिल्डिंग का, वो एक्चुअली बंद रहता है। ये है, ये देखिए, ये है फ्रंट गेट। फ्रंट गेट से कुछ इस तरह दिखता है, वाइड एंगल दिखाता है। देखिए वाइड एंगल में देखिए, तो उस तरफ वाला जो गेट है ना, वो वर्किंग में है, और इस तरफ भी शायद बंद है। ये है मेन गेट, ये खेलने लग गया। देखो आयु, जो देख रहे हो साई बाबा हॉस्पिटल है, तो साई बाबा हॉस्पिटल का जस्ट जो मेन गेट है ना, फ्रंट गेट जो बंद रहता है, उसके सामने मेट्रो स्टेशन तैयार हो रहा है। अभी जब तैयार हो जाएगा तब आप काटुकुड़ी मतलब व्हाइटफील्ड से भी यहाँ आ सकते हो मेट्रो के थ्रू। और यहाँ से अगर आप लोग जाना चाहते हो सिटी वगैरह कहीं भी जाना चाहोगे, मेट्रो से आसानी से कहीं भी जाना आना कर सकते हो। भविष्य के लिए आसानी हो जाएगा, बस का ठोकर खाना नहीं पड़ेगा। हम साई बाबा हॉस्पिटल की मतलब जो बाउंड्री है उसके अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मेन बिल्डिंग पीछे है, और यहाँ पे ओपीडी जो कंडक्ट होता है वो होता है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सभी वेटिंग हॉल जैसा, मतलब बाहर सब बैठते हैं, फिर जिसका नंबर आता है उसको अंदर बुलाया जाता है। जो देख रहे हो ये लंबा सा जो पेड़ है अशोका का, उस पेड़ की सीधा अशोका या झाव का है, शायद झाव का है, उसका पीछे भी एक कैंटीन है, और यहाँ पे सीधा यहाँ पे भी एक कैंटीन है बिल्डिंग में, और ये है वेटिंग एरिया, और यहाँ पे ओपीडी कंडक्ट होता है, और जो मेन बिल्डिंग है जो पैलेस की तरह प्रसाद की तरह वो यहाँ है, वहाँ पे पता नहीं ऑफिशियल कार्रवाई होता है और एडमिट ऑपरेशन वगैरह होता होगा। और यहाँ पे मेरा बेटी खेल रहा है, यहाँ पे किसका समाधि बना रहा है पता नहीं, एक एक फूल डाल के। बहुत अच्छा एरिया है, इतना शांत एरिया है, और आपको लगे कि आप हॉस्पिटल आए हो, आपको लगेगा कि आपको ये किसी पार्क में आ रखे। देखो यहाँ पे फूल कैसे कितना बढ़िया, ये हम लोग बोलते हैं टॉगर फूल, यहाँ पे गिरा हुआ है। हम अभी पहुँच गए हैं व्हाइटफील्ड। अच्छा, ऊपर से जाएगा तो सीधा व्हाइट फील्ड बस स्टैंड, और इसके उस पर काटुकुड़ी, काटुकुड़ी या काटुकुड़ी। चलो चलो आयु, आओ 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 आओ, गिर जाओगे। जाओ, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, आप चले जाओ, आप चले जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ। अब ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे।
गाइज, हम आप लोगों से कुछ बातें करेंगे और क्या बातें करेंगे वो आप लोगों को बताते हैं। पहले सबसे पहले मैं आया हूँ अभी साई बाबा हॉस्पिटल, मतलब श्री साई हॉस्पिटल, जहाँ पे ट्रीटमेंट संपूर्ण फ्री होता है। तो यहाँ पे आने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैसे आए, कहाँ उतरे, कहाँ रहे, पूरा का पूरा जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम बताएंगे कि मैं भी जैसे यहाँ आने से पहले काफ़ी यूट्यूब में वगैरह इधर उधर पूछते फिरते फिर रहा था कि हम यहाँ आना है तो कैसे आए हॉस्पिटल में, हम लोगों को पेशेंट को दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। सबसे ये अपॉइंटमेंट लेने के लिए मैं यहाँ पे डिस्प्ले में कुछ नंबर शो हो रहा होगा, तो इस नंबर पे कॉल किया था। कॉल करने के बाद हमें पूरा हमसे पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे डिटेल पूछने के बाद मुझे एक मेरा, मैं जिस नंबर पे कॉल किया था उसी नंबर पे एक एसएमएस भेजा, उसमें एक ईमेल आईडी प्रोवाइड किया था हमें। तो उस ईमेल आईडी में मुझे बताया कि आप पेशेंट का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपका बीमारी पकड़ा गया है, बीमारी डिटेक्ट हुआ है, वो वाला डॉक्यूमेंट्स इसमें सेंड कर दीजिए। एमआरआई का रिपोर्ट या एक्सरे का रिपोर्ट या ब्लड का रिपोर्ट, जो भी हो, जिसका भी हो, अलग अलग बीमारी का अलग अलग ये होता है। मैं आया था जिसके लिए वो है न्यूरोलॉजी। एमआरआई का रिपोर्ट हम सेंड कर दिए। सेंड करने के बाद वहाँ से मुझे 15 से 20 दिन बाद मुझे रिप्लाई मिला। मुझे एक पेशेंट आईडी, उस मेल में पेशेंट आईडी दिया था और एक फोन नंबर दिया। उस फोन नंबर में मैं कॉल किया, कॉल करके ये मुझे पेशेंट आईडी मिला है और मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। उसने बोला कि आपने टिकट आप लोगों को कंफर्म हो गया। हम बोले कि टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। तो उसने फिर से बोला कि आप लोग पहले टिकट करा लीजिए, टिकट कंफर्म होने के बाद कब पहुंच रहे हो उस हिसाब से आप लोगों को अपॉइंटमेंट देंगे। जिस दिन आप पहुंच जाओगे उसके नेक्स्ट डे आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो इसे हम पहले टिकट करवाए, टिकट कराने के बाद जिस दिन हम पहुंचने वाले थे उसका नेक्स्ट डे हम अपॉइंटमेंट ले लिए थे। जब अपॉइंटमेंट ले लोगे, अपॉइंटमेंट लेने पे आप लोगों के पास एक मैसेज आएगा, एसएमएस आएगा आपका रजिस्टर्ड नंबर में। उस रजिस्टर्ड नंबर में आपका डेट लिखा रहेगा, उस एसएमएस में डेट लिखा रहेगा और टाइमिंग लिखा रहेगा कितना बजे आपको यहाँ पहुँचना है। और उससे कम से कम 15 मिनट बिफोर पहुँचने के लिए बोले तो आप अपना हिसाब से, और ज़्यादा जल्दी पहुँचोगे तो अच्छा रहेगा। बाहर काफ़ी ज़्यादा लंबा लाइन लगा रहता है, तो आप जितना जल्दी अंदर जाओगे, अंदर भी आप लोगों को टोकन मिलता है। टोकन के हिसाब से आप डॉक्टर को दिखा सकते हो, आपको जल्दी टोकन मिलेगा तो आप जल्दी दिखा पाओगे। अगर आपको टोकन लेट में मिलेगा, 10, 20, 30 में मिलेगा, तो आपको दिखाने में अंदर बैठे रहना पड़ेगा, ज्यादा देर आप लोगों को ज्यादा लेट हो। अंदर जाके दिखाने के लिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अंदर सेवादार बहुत लोग है जो लोग आप लोगों को हेल्प करते रहेगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। अंदर जाओगे तो अंदर बहुत ही नीट एंड क्लीन है, आपको लगेगा नहीं कि ये एक हॉस्पिटल है, लगेगा कि ये एक पैलेस है या फिर प्रसाद है या फिर पार्क है। जो मुझे फील हुआ बहुत ही अच्छा है, बहुत नीट क्लीन। तो यहाँ तक हो गया इसका ट्रीटमेंट। फिर तो आगे ट्रीटमेंट चलते रहेगा, जिसको जैसे नेक्स्ट आने के लिए बोलेगा उस हिसाब से उसको फिर दोबारा दिखाते रहना है, जो भी हो वो अलग बात। अब अगला चीज हम बता रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ पे यहाँ पहुँचना कैसे है। साई बाबा हॉस्पिटल आने के लिए सबसे नियर बाय जो रेलवे स्टेशन है वो व्हाइट फील्ड। क्या है व्हाइट फील्ड? तो व्हाइट फील्ड रेलवे स्टेशन में आपको उतरना पड़ेगा। व्हाइट फील्ड रेलवे स्टेशन की एक तरफ बस स्टैंड है और दूसरी तरफ काडुगुड़ी। जिस तरफ बस स्टैंड है उसके ऑपोजिट साइड में काडुगुड़ी है, या काडुगुड़ी जो भी बोलो अपना हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर लो। काडुगुड़ी में एकोमोडेशन काफी अच्छा है, मतलब बेंगलोर सिटी की तुलना में, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए काफी सस्ता है दूसरी जगहों की तुलना में। बाकी जगह जैसे व्हाइट फील्ड एरिया हो गया, ये आपका बहुत ही हाई प्रोफाइल एरिया है, तो यहाँ पे रहने को बहुत दिक्कत होगा, तो वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए वहाँ पे ना जाए तो ये अच्छा है, क्योंकि वो सब बहुत ही हाई प्रोफाइल एरिया है। रेलवे स्टेशन का जिस तरफ बस स्टैंड उधर ना जाके ऑपोजिट साइड में अगर आप उतर जाओगे तो ये है काडुगुड़ी। काडुगुड़ी मार्केट में यहाँ बहुत सारा रूम मिलेगा, आप कहीं भी आप रह सकते हो। यहाँ पे 200 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया, अलग अलग रेट के में अलग 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 रूम मिल जाएगा। और ये लोग कितना आदमी हो या फिर रूम में कितना बेड है उस हिसाब से भाड़ा तय करते। और मेन मार्केट जो है काडुगुड़ी, वहाँ से आप थोड़ा सा दूर डिस्टेंस में अगर रूम लोगे तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ज्यादा सस्ता रूम पड़ेगा, 50 रुपया, 100 रुपया, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को 10 दिन में आपका काम हो जाए, नहीं तो महीना भर, 2 महीना भर भी रहना पड़ सकता है। फिर आप लोग जहाँ से आप रहोगे, जहाँ आपका होटल या मोटेल जो भी रहेगा, वहाँ से आप जब हॉस्पिटल जाओगे तो उसके लिए कैसे जाओगे? वहाँ से आपको फिर यहाँ से जो रेलवे स्टेशन का फ्लाईओवर है उसको क्रॉस करके उस तरफ बस स्टैंड चले जाओगे। तो बस स्टैंड से आप लोगों को 15-20 मिनट में, आप कोई भी बस पकड़ोगे 15-20 मिनट में आप पहुँच जाओगे हॉस्पिटल तक। और बस में भाड़ा लेता है 15 रुपया या 20 रुपया, अलग अलग बस अलग अलग भाड़ा है। तो ये है जाने का
प्रोसेस। और एक चीज है, आप अगर हाँ बस स्टैंड के अंदर बहुत सस्ते में डोसा मिलता है, 30 रुपए में 4 पीस डोसा मिलता है, वहाँ पे जरूर नाश्ता लेके जाए सुबह सुबह, क्योंकि जहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ आसपास बाहर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा खाने पीने का चीज, खाने पीने का कुछ नहीं है। और हॉस्पिटल के अंदर कैंटीन है, लेकिन हर किसी को अंदर जाने नहीं देगा, एक पेशेंट के साथ एक ही व्यक्ति को जाने देता है, और कोई रिक्वेस्ट करता है तो बहुत मुश्किल से एक दो आदमी को जाने देता है, अगर बच्चा रहता है साथ में तो एक आदमी एक्स्ट्रा जाने देता है, और अगर कोई व्हील चेयर में जाता है तो उसको साथ में दो आदमी जाने के लिए परमिशन करता है। ये हो गया अंदर जाने, नाश्ता पानी अंदर कैंटीन में आपको मिल सकता है, बाथरूम वगैरह बहुत ही नीट एंड क्लीन है। राइट हैंड थक गया इसलिए मैं अपना ये कर, हाँ और एक चीज़ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे काफ़ी लोगों से बात करके देखा हूँ, यहाँ पे क्या होता है कोई भी पेशेंट आता है तो एक ही बार में मतलब यहाँ ट्रीटमेंट होता है, लेकिन क्या होता है वहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत स्लोली होता, सब कुछ फ्री में होगा लेकिन यहाँ पे स्लोली होगा। जब अगर मैं जैसे ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन करवाने के लिए न्यूरो सर्जरी के लिए आए तो उसके लिए अगर भेलूर जाओगे तो 4 से 5 लाख रुपया खर्चा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, आपका होगा नहीं ऐसा बात नहीं, लेकिन बहुत प्रोसेस बहुत स्लोली चलता है, धीरे धीरे बढ़ता है। अगर आपका यहाँ पे एक बार आए दिखाए उसके बाद हो सकता है 10 दिन बाद आपका नेक्स्ट डेट दे दे, या 20 दिन बाद फिर दे दे, या फिर 1 महीना बाद दे दे, ऐसे करते करते इतना कम समय के अंदर कोई घर जाना आना भी कर नहीं सकता है, क्योंकि टिकट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा तत्काल भी नहीं मिलता है, और पहले से 2 महीने से पहले से भी करके रखोगे तो भी कंफर्म नहीं होता है, इतना बुरा हाल है ट्रेन का। फ्लाइट तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा महंगा होता है तो इसलिए फ्लाइट का ये नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ऐसे टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगता है, ये बात तो सही है, तो अगर टाइमिंग ज़्यादा लगेगा किसी को 1 महीना 2 महीना रहना पड़ेगा, उसके लिए रहने के लिए यहाँ पे खर्चा भी तो कर है, तो खर्चा कैसे है, अगर एक कोई भी दिहाड़ी करने वाला आदमी वो डेली कितना 500-700 हजार रुपया कमाता है डेली, यहाँ आएगा तो उसका कमाई बंद, उसको ट्रीटमेंट कराना है, ट्रीटमेंट करा के और उसको रूम का भाड़ा भी देना है, 2 आदमी से 3 आदमी अगर रहता है और उसका खाना पीना 3 आदमी का 250 रुपया तो भाड़ा देना ही देना है डेली, साथ ही साथ उसका 250 रुपया भाड़ा और खाना पीने का 200 रुपया, 500 रुपया तो डेली खर्चा होना ही होना है, और बाकी अलग से इधर उधर का खर्चा दवाई वगैरह, वो तो दवाई भी अंदर नहीं मिलता है, दवाई भी आपको बाहर लेना पड़ता है, दवाई लिख देगा अब बाहर, ओनली फॉर ऑपरेशन वगैरह चिकित्सा मतलब ट्रीटमेंट फ्री में होता है, बाकी सब कुछ आपको अपना लेना पड़ता है। किसी किसी को देखा हूं 2 महीना 1.5 महीना से पड़ा हुआ है, उन लोगों का बहुत ही बुरा हाल, कोई रो देता है ऐसे हाल है, तो अगर वैसे हाल है तो प्लीज यहां पे ना आए, अपना नजदीक कि कोई हॉस्पिटल वगैरह में अपना ट्रीटमेंट कराए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक सोच के आते हैं हम लोग और फिर यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और यहाँ पे कोई भी पेशेंट अगर आके 1-2 महीना रहे ना वो भी इरिटेट होने लगता है, वहाँ उसको रहने का मन नहीं करता, वो ज़्यादा खुद मेंटली और बीमार हो जाता है, वो ठीक होने के लिए यहाँ आया है बट ठीक होने की वजह से वो उल्टा हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है। और फ्रेंड्स वीडियो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, और YouTube की नज़र में अच्छा दिखने के लिए थोड़ा लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक या डिसलाइक एंगेजमेंट जरूर करना है, और कमेंट जरूर कर दीजिए, अभी तक देख रहे हो जरूर कुछ ना कुछ आप लोगों को इसमें इन्फॉर्मेशन मिले, और आप लोग चाहे तो कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो कुछ भी इन्फॉर्मेशन के बारे में, हमसे जितना हो सकता है आप लोगों को हेल्प करेंगे। You might be going through